Bollywood Silver Screen presenting Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, Zeus, Poseidon और Hades. ये तीनों देवताएं और तीनों भाई हैं और आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को युद्ध के लिए धमकाते रहते हैं. ये तीनों देवता कई बार धरती पर नीचे आए और औरतों से संबंध बनाए, उनसे उनके बच्चे भी हुए, जैसे अकिलीज, हरक्यूलीज. ऐसे इंसानों को डेमीगॉड कहते हैं. कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर से, जहां पर समंदर से एक बहुत विशाल आदमी बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक त्रिशूल होता है, और ये होता है समंदर का देवता पोसाइडन. तभी उसके शरीर से बहुत सारा पानी निकलता है और वो आम इंसानों की तरह छोटा हो जाता है. पोसाइडन एक दूसरे देवता से मिलने जाता है जो तूफानों का देवता है, ज़ूस. ज़ूस पोसाइडन से बोलता है, तुम्हें क्या दिख रहा है? पोसाइडन बोलता है, तूफान. ज़ूस बोलता है, वो भी बिना बिजली के, मेरा लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो गया है. पोसाइडन बोलता है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हमें एक दूसरे की शक्तियां चुराना मना है. ज़ूस बोलता है, हाँ हमें मना है, पर हमारे बच्चों को मनाही नहीं है. पोसाइडन बोलता है कि मैंने अपने बेटे को बरसों से देखा तक नहीं है और ना ही उसे पता है कि वो कौन है. ज़ूस बोलता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरा लाइटनिंग बोल्ट चुराया होगा तो मैं उसे जहन्नुम की खाई में फेंक दूंगा. और वो अपने भाई पोसाइडन को धमकी देता है कि अगर मेरा लाइटनिंग बोल्ट 14 दिनों में नहीं मिला तो युद्ध होगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है. दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम पर्सी जैक्सन है, और उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम ग्रोवर है, जिसके पैर खराब होते हैं और वो बैसाखी के सहारे चलता है. अब इनके स्कूल में एक नई इंग्लिश की टीचर आती है और वो ब्लैक बोर्ड पे शेक्सपियर की कुछ लाइंस लिखती है और पर्सी से पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि शेक्सपियर इन लाइंस में क्या कहना चाहते हैं? पर्सी कोशिश करता है पर उसको वर्ड्स अपने आप ही आगे पीछे होते हुए नजर आते हैं और वो जवाब नहीं दे पाता. दरअसल पर्सी को डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, इसीलिए वो समझ ही नहीं पाता कि ब्लैक बोर्ड पर एग्जैक्टली लिखा क्या है. वो अपने घर जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि उसकी डिसलेक्सिया की बीमारी तो बढ़ती जा रही है. वहां पर उसके सौतेले पिता भी होते हैं जो कि शराबी, जुआरी और पूरी तरह से असभ्य इंसान है, और पर्सी की मॉम से बदतमीजी भी करता है. पर्सी अपनी मॉम से बोलता है कि आप इस सुअर के साथ क्यों रहती हैं? इससे गंदी बदबू आती है और ये एक ढंग की नौकरी भी नहीं कर पाता, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती? पर्सी की मॉम बोलती है, इसके साथ रहना हमारे लिए फायदेमंद है, एक दिन तुम समझ जाओगी. अब एक दिन स्कूल में जब उनका टीचर, जिसका नाम ब्रूनर है और जो व्हीलचेयर पर होता है, पूरी क्लास को देवताओं और उनके बच्चों के बारे में बता रहा होता है, तभी वहां पर उनकी इंग्लिश की टीचर आती है जिसने पर्सी से पिछली क्लास में सवाल पूछा था. वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो पर्सी को एक रूम में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है. पर्सी बोलता है कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता, और जब वो पीछे देखता है तो उसकी टीचर उसके पीछे नहीं बल्कि एक ऊंची जगह पर खड़ी होती है. ये देखकर पर्सी हैरान हो जाता है कि वो इतनी ऊंची जगह पर चढ़ कैसे गई, और तभी वो टीचर एक भयानक उड़ने वाले जानवर के रूप में बदल जाती है और पर्सी को बोलती है कि तुमने वो बोल्ट चुराया है, मुझे वो चाहिए. पर्सी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो. वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी. पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वहां पर उसका दोस्त ग्रोवर, जिसके पैर खराब होते हैं, और उनका टीचर जो व्हीलचेयर पर होता है, वो आ जाते हैं और उनका टीचर बोलता है कि अगर तुमने पर्सी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा. और वो अजीब सा जानवर पर्सी को छोड़कर वहां से उड़कर चला जाता है. पर्सी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या. पर्सी का टीचर पूछता है कि वो तुमसे क्या कह रही थी. पर्सी बताता है कि वो बोल रही थी कि मैंने कोई लाइटनिंग बोल्ट चुराया है. पर्सी का टीचर पर्सी के दोस्त ग्रोवर को बोलता है कि उन्होंने इसे पहचान लिया है, इसकी जान खतरे में है, इसे कैंप ले जाना होगा. और उसका टीचर पर्सी को एक पेन भी देता है और उसे कहता है कि ये बहुत शक्तिशाली हथियार है, जब तुम्हें कोई रास्ता ना मिले तो इसका इस्तेमाल करना. पर्सी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और उसके टीचर जिनका नाम ब्रूनर है वो क्या कह रहे हैं. अब पर्सी और ग्रोवर पर्सी के घर उसकी मॉम से मिलने जाते हैं. पर्सी अपने दोस्त ग्रोवर से पूछता है कि मिस्टर ब्रूनर ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए क्यों कहा. उसका दोस्त ग्रोवर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. पर्सी बोलता है कि तुम मेरी रक्षा करोगे? वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी दोनों टांगे खराब होती है. ग्रोवर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं. अब ये दोनों पर्सी के घर पहुंच जाते हैं और पर्सी का दोस्त पर्सी की मॉम को बताता है कि हमें यहां से निकलना होगा, और पर्सी की मॉम समझ जाती है और ये तीनों गाड़ी में वहां से निकल पड़ते हैं. अभी भी पर्सी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है. वो अपनी मॉम से पूछता है कि कैंप क्या है जहां हम जा रहे हैं. वो बोलती है कि ये तुम जैसे खास बच्चों के लिए. पर्सी बोलता है, क्या मुझे कोई दिमागी प्रॉब्लम है? उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे पिता के बारे में है. अब इससे पहले कि उसकी मॉम पर्सी को उसके पिता के बारे में कुछ बताती, उनकी गाड़ी के आगे एक भैंस आके गिरती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है और सामने से एक बहुत बड़ा जानवर उनकी तरफ आ रहा होता है और ये तीनों गाड़ी में फंस जाते हैं. तभी पर्सी का दोस्त ग्रोवर अपनी पैंट उतारना शुरू कर देता है. पर्सी कहता है कि तुम अपनी पैंट क्यों उतार रहे हो? वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं. और जैसे वो अपनी पैंट उतारता है तो पर्सी उसके पैर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पैर एक जानवर की तरह होते हैं.
पर्सी बोलते तुम तो आधे गधे हो, वो कहते नहीं आधा बकरा, और वो अपने पैरों से दरवाजे पे जोर से लात मारता है और वो तीनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी वो जानवर उनका पीछा कर रहा होता है और ये तीनों जंगल की तरफ भागते हैं। और ग्रोवर जो पहले बैसाखी के सहारे चल रहा था, अब वो बिना बैसाखी के सबसे तेज भाग रहा होता है। तभी सामने एक गेट आता है और पर्सी और उसका दोस्त ग्रोवर अंदर चले जाते हैं, लेकिन पर्सी की मॉम उसके अंदर नहीं जा पाती क्योंकि वहां पर एक सुरक्षा कवच होता है जो दिख नहीं रहा होता, और ये वही जगह होती है जहां इन सबको आना था। और वो जानवर वहां पहुंच जाता है और पर्सी की मॉम को उठा लेता है, और एक तेज रोशनी होती है और उसकी मॉम गायब हो जाती है। ये देखकर पर्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाता है, और जो पेन उसके टीचर ने उसे दिया था वो उसका बटन दबाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भी तुम कहीं फंस जाओ तो इसका इस्तेमाल करना। अब जैसे ही पर्सी उसका बटन दबाता है तो वो एक तलवार बन जाती है और उस तलवार से पर्सी उस जानवर पर हमला करता है, पर उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। और जब वो जानवर पर्सी को टक्कर मारने के लिए उसकी ओर आता है तो पर्सी सामने से हट जाता है और उस जानवर का सिंग टूट जाता है, और पर्सी उसी सिंग से उस जानवर को मार देता है। और इसके बाद पर्सी भी बेहोश हो जाता है, और जब पर्सी को 3 दिन बाद होश आता है तो उसे लगता है कि वो एक सपना था, पर जब वो अपने दोस्त के बकरे वाले पैर देखता है तो वो समझ जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। पर्सी दुखी मन से बोलता है कि मैंने अपनी मॉम को खो दिया। ग्रोवर बोलता है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि अभी मेरी सारी शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। अब जब वो पर्सी को बाहर लेकर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ग्रोवर उसे बताता है कि इस कैंप के अंदर सिर्फ हाफ ब्लड आ सकते हैं, यानी कि आधे इंसान और आधे देवता। वो बोलता है कि देवता धरती पर आते रहते हैं और उनकी जो संतान होती है उन्हें हाफ ब्लड कहा जाता है। पर्सी बोलता है कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं तो एक लूजर हूं, मुझे डिस्लेक्सिया की बीमारी है। उसका दोस्त बोलता है कि वो बीमारी नहीं बल्कि एक शक्ति है, तुम जब पढ़ते हो तो लेटर्स उड़कर आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि तुम ग्रीक की पुरानी शैली पढ़ सकते हो और उस शैली के हिसाब से वर्ड्स अपने आप ही आगे पीछे हो जाते हैं, जो कि एक शक्ति है। तुम लूजर नहीं हो, तुम्हारा खून खास है और इसलिए उस रात को तुम उस राक्षस को मार पाए थे। अब यहां पर उनके प्रोफेसर ब्रूनर भी होते हैं जिन्होंने पर्सी को मैजिकल पेन दिया था। दरअसल वो प्रोफेसर इसलिए बने थे ताकि वो पर्सी की रक्षा कर सकें, उस पर नजर रख सकें। ब्रूनर का धड़ तो पूरी तरह से घोड़े का होता है पर उनका ऊपर का शरीर इंसान का होता है। अब ब्रूनर पर्सी को बताते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत शक्तिशाली हैं और उनका नाम पोसाइडन है, और तुम्हारे अंदर भी उसी तरह की कई शक्तियां हैं जो दूसरों के लिए खतरा भी हो। पर्सी बोलते हैं कि मुझसे किसे खतरा हो सकता है। ब्रूनर बोलता है कि पोसाइडन के भाई ज़ूस और हेडिस को, इसीलिए तुम्हारी मां ने उस आदमी से शादी की ताकि उसका गंदा खून तुम्हारे साफ खून को छुपा कर रख सके। पर्सी बोलता है कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। ब्रूनर बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है क्योंकि तुम्हारे पिता पोसाइडन के भाई ज़ूस को लगता है कि तुमने उसका लाइटनिंग बोल्ट चुराया है जो उसका सबसे खतरनाक हथियार है, और 10 दिन में वो हथियार उसे वापस नहीं दिया गया तो एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसमें पहाड़ गिरेंगे, जमीन फटेगी और धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्रूनर बोलता है कि मैं तुम्हें ज़ूस के पास ले जाना चाहता हूं ताकि उसे बता सके कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुमने उसका लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया, पर दरवाजे के बाहर मौत है इसलिए तुम्हें ट्रेन करना होगा। अब यहां पर एक खेल होता है जिसमें 2 टीम्स बनाई जाती हैं और दोनों टीम्स के अलग अलग झंडे होते हैं, और जो भी टीम दूसरी टीम के झंडे को पहले हासिल कर लेगी वो जीत जाएगी। अब पर्सी की जो विरोधी टीम होती है उसमें एक लड़की होती है जो बहुत ही अच्छी योद्धा होती है, और ये दिमाग की देवी एथीना की बेटी है और इसका नाम होता है एनाबेथ। अब जब पर्सी झंडे के पास पहुंच जाता है तो वहां पर एनाबेथ भी आ जाती है और इन दोनों के बीच में तलवार से लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में एनाबेथ पर्सी को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और वो गिर जाता है। तभी पर्सी के कान में एक आवाज आती है कि पानी के पास जाओ, और ये आवाज होती है उसके पिता पोसाइडन की, और जैसे ही पर्सी पानी में अपना हाथ लगाता है उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो एनाबेथ को चंद ही पलों में हरा देता है और झंडा हासिल करके अपनी टीम को जिता देता है। अब उसी रात को वहां पर एक बहुत बड़ा आग की लपटों में जलता हुआ एक जीप प्रकट होता है। ये पोसाइडन का भाई हेडिस होता है। वो बोलता है पर्सी मुझे वो लाइटनिंग बोल्ट दे दो और अपनी मॉम को वापस ले लो। पर्सी सामने आता है और बोलता है मेरी मॉम मर चुकी है। वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा है और मेरे पास पाताल में है, और वो पर्सी को उसकी मॉम की छवि दिखाता है और उसे कहता है कि अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास वो बोल्ट ले आना। अब पर्सी पाताल जाकर अपनी मॉम को लेने के लिए रात को जाने लगता है, और उसके साथ एनाबेथ और उसका दोस्त ग्रोवर भी चल पड़ते हैं, और ये जा रहे होते हैं पोसाइडन और ज़ूस के तीसरे भाई हेडिस के पास। अब यहां से जाने से पहले ये लूक से मिलते हैं क्योंकि हेडिस दूसरी दुनिया में रहता है और वहां जाने का रास्ता लूक बता सकता है क्योंकि उसके पिता देवताओं के दूत हैं जो दोनों दुनिया में आने जाने का रास्ता जानते हैं, और लूक उन्हें बताता है कि वो हेडिस के पास कैसे पहुंच सकते हैं। वो उन्हें एक मैप देता है और बोलता है कि वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 मोती हासिल करने होंगे तभी तुम दूसरी दुनिया से वापस आ पाओगे, और वो उन्हें मैप में दिखाता है कि पहला मोती कहां पर है और बोलता है कि जब तुम पहला मोती हासिल कर लोगे
तो तुम्हें मैप में दूसरे मोती का रास्ता अपने आप ही दिख जाएगा। और वो पर्सी को एक जोड़ी उड़ने वाले जूते और एक ढाल भी देता है और कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहला मोती मिलेगा। वहां पर बहुत सारे पत्थर के पुतले होते हैं और वहां पर उन्हें सोने के सिक्के भी मिलते हैं जिनमें से कुछ वो रख लेते हैं। अब जब ये सब तीनों अलग अलग मोती को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहां पर ग्रोवर को एक पुतला दिखता है जो हूबहू उसके अंकल जैसा होता है और वो समझ जाता है कि ये उसके अंकल ही है। वहीं दूसरी तरफ एनाबेत को एक औरत मिलती है जो बहुत डरी हुई होती है और वो बोलती है कि उस औरत ने मेरे पति को पुतला बना दिया, हमें यहां से भागना होगा। और जब वो वहां से भाग रहे होते हैं तो उनके सामने वो औरत आ जाती है जिसने यहां पर सबको पत्थर का पुतला बनाया होता है और जो भी इसकी आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। और ये बात एनाबेत को पता होती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है पर उसके साथ जो औरत होती है वो पत्थर की बन जाती है। अब पर्सी अपने दोस्त को बताता है कि हमें उसकी परछाई को देखकर उसे लड़ना होगा। अब पर्सी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर एनाबेत और वो औरत हैं और वो औरत पर्सी की आवाज सुन लेती है और वो एनाबेत को वहीं पर छोड़कर पर्सी का पीछा करना शुरू कर देती है और वो पर्सी को पकड़ लेती है। लेकिन पर्सी अपनी आंखें बंद कर लेता है पर वो जब पर्सी को अपनी बातों में फंसा रही होती है तभी एनाबेत फुल स्पीड से वहां पर गाड़ी लेकर उन पुतलों को टक्कर मारते हुए उन तक पहुंच जाती है जिससे पर्सी छूट जाता है और वो पीछे से आकर उस औरत का सर काट देता है। यहां पर इन्हें पहला मोती मिलता है और इसके बाद मैप में दूसरे मोती का रास्ता खुल जाता है। इसके साथ साथ ये उस औरत का सर भी अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि उसका सर अभी भी जिंदा होता है। एनाबेत बोलती है कि ये हमारे काम आएगा। अब ये वहां पहुंच जाते हैं जहां दूसरा मोती है। ये एक म्यूजियम है और यहां पर देवी एथिना की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसके सर पर दूसरा मोती है और देवी एथिना एनाबेत की मां होती है। अब दिन में उस मोती को नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं तो ये तीनों वही वॉशरूम में छुप जाते हैं और रात को जब सब लोग चले जाते हैं तो ये उस मोती को निकाल लेते हैं। और जब ये मोती को हासिल कर लेते हैं तो वहां पर पांच लोग एक साथ आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें वो लाइटनिंग बोल्ट दे दो। पर्सी बोलता है कि वो मेरे पास नहीं है और इसके बाद वो पांचों एक साथ मिल जाते हैं और एक बहुत बड़े ड्रैगन का रूप धारण कर लेते हैं। अब ये तीनों उससे लड़ते हैं और पर्सी अपनी तलवार से उसके पांचों सिर काट देता है पर उसका सर दोबारा वापस आ जाता है और इस बार पांच सर की बजाय उसके 10 सर हो जाते हैं और वो और भी गुस्से में आ जाता है। ये सब दरवाजे की तरफ भागते हैं और जब ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इनसे दरवाजा नहीं खुलता और वो ड्रैगन इनके पास आ जाता है और जैसे ही वो अपने मुंह से आग निकालकर इन सबको भस्म करने वाला होता है तो ग्रोवर उस औरत के सिर को जिसे वो अपने साथ लेकर आए होते हैं अपने बैग से निकालकर उस ड्रैगन के सामने कर देते हैं जिससे वो पत्थर का बन जाता है। और इस तरह से ये दो मोती हासिल कर लेते हैं और नक्शे में तीसरे मोती का रास्ता खुल जाता है। ये कैशिनो होता है जहां सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहां पर एक लड़की ने खाने के लिए एक फूल देती है जो कि बहुत टेस्टी होता है और जिसे खाने के बाद इन्हें कुछ अलग सा फील होता है और ये बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मस्ती करने लग जाते हैं और वहां के रंग में रंग जाते हैं। और जब वो सब वहां पर मस्ती कर रहे होते हैं तभी पर्सी के कान में एक आवाज आती है, पर्सी इस फूल को मत खाओ, ये तुम्हारी सेंसेस को डेड कर देगा और तुम यहां पर हमेशा के लिए बंदी बनकर रह जाओगे, तुम्हें होश में आना होगा। ये आवाज उसके पिता पोसाइडन की होती है। अब पर्सी को जब वहां की लड़कियां दूसरा फूल खाने के लिए कहती हैं तो वो मना कर देता है और धीरे धीरे पर्सी होश में आ जाता है और उसे वहां पर तीसरा मोती भी मिल जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि हम फंस चुके हैं, हमें यहां से जाना होगा। और इसके बाद उसके दोस्त भी फूल नहीं खाते और वो भी होश में आ जाते हैं। अब वहां के गार्ड्स को पता चल जाता है कि ये सारे के सारे होश में आ चुके हैं, वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं पर तब तक ये तीनों वहां से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। तभी उन्हें एक लाइट बोर्ड में तारीख दिखती है जिसमें लिखा होता है कि कल 21 जून है। पर्सी बोलता है कि ये नहीं हो सकता, कल तो 15 तारीख है। एनाबेत बोलते हैं कि हमें लग रहा है कि हम 1-2 घंटे अंदर थे पर हम पिछले 5 दिनों से अंदर थे और इन्हें अब किसी भी कीमत पर कल रात 12 बजे तक ज़ूस तक पहुंचना है और उसे बताना है कि पर्सी ने उसका लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया, नहीं तो एक महायुद्ध होगा जिसमें पूरी धरती खत्म हो जाएगी। पर इससे पहले पर्सी अपनी मॉम को बचाना चाहता है जो पाताल लोक में है पर अब इन्हें वहां का रास्ता पता है। ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से पता लोग का रास्ता है और ये जगह होती है हॉलीवुड में। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ लिखा होता है जो किसी को समझ नहीं आता पर तभी पर्सी को वर्ड्स आगे पीछे होते हुए नजर आते हैं और जब पर्सी उसे पढ़ता है तो वहां एक रास्ता बन जाता है और ये तीनों वहां से अंदर चले जाते हैं। अब वहां पर इन्हें एक इंसान की आकृति दिखती है और जब ये उसके पास जाते हैं वो बोलता है कि यहां से आगे सिर्फ मरे हुए लोग जा सकते हैं, जिंदा नहीं। पर जब ये उसे सोने के सिक्के देते हैं तो वो उन्हें कहता है कि चढ़ जाओ बोट पर और जहन्नुम के रास्ते से होते हुए वो उन्हें आगे ले जाता है और इन तीनों को हेडिस के महल पर छोड़ देता है। और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो इन्हें मारने के लिए 2 खतरनाक जानवर इनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती है, ये हेडिस की पत्नी होती है जिससे हेडिस ने जबरदस्ती शादी की होती है और ये हेडिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो उन जानवरों को रोकती है और इन तीनों को हेडिस के पास ले जाती है। हेडिस पर्सी को बोलता है कि तुम अपने पिता के जैसे दिखते हो, तुमने काफी बहादुरी दिखाई यहां पर आकर,
मैं श्रापित हूँ और यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि मुझे वो लाइटनिंग बोल्ट मिल जाए और मैं अपने दोनों भाइयों पोसाइडन और ज्यूस को हरा दूं। पर्सी बोलता है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए। हेडिस कहता है कि तुम मुझे बोल्ट दे दो और अपनी मॉम को ले जाओ। पर्सी बोलता है कि मेरे पास वो बोल्ट नहीं है। इस बात से हेडिस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बोल्ट दो नहीं तो अपनी मॉम को हमेशा के लिए अलविदा कहो, और वो पर्सी की मॉम को वहां पर प्रकट करता है। पर्सी अपनी ढाल फेंक कर जो उसे लूक ने दी थी अपनी मॉम के गले लग जाता है। तभी हेडिस देखता है कि उसकी ढाल में कुछ चमक रहा है और जब वो उसकी ढाल को उठाता है तो उसके अंदर लाइटनिंग बोल्ट होता है। हेडिस उस बोल्ट को निकाल लेता है और कहता है कि इन सब को आत्माओं के हवाले कर दो, मैं अब देवताओं का राजा बनूंगा। पर्सी बोलता है कि हमारे बीच सौदा हुआ था, तुमने बोला था कि तुम्हें बोल्ट मिल जाएगा तो तुम हमें छोड़ दोगे, पर हेडिस उनकी बात नहीं सुनता। पर इससे पहले कि ये आत्माओं के शिकंजे में जाते, हेडिस की बीवी उससे बोल्ट छीन लेती है। हेडिस बोलता है कि मजाक मत करो, इसे वापस लाओ, पर उसकी बीवी उस बोल्ट से एक बिजली का प्रहार हेडिस पर करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि जब ये होश में आएगा तो इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो इन चारों को भी जो मौत के दरवाजे के अंदर जा रहे होते हैं बचा लेती है। पर्सी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है कि ये हमेशा मेरा अपमान करता है, मुझे तभी खुशी मिलती है जब इस जहन्नुम से बाहर जाने का मौका मिलता है, और अगर देवताओं के बीच में युद्ध हुआ तो मुझे हमेशा इसके साथ ही रहना पड़ेगा। और वो उन्हें बोल्ट देती है और कहती है जाओ, पर यहाँ से जाने के लिए इन्हें मोती को अपने पैर के नीचे दबाकर उस जगह के बारे में सोचना होगा जहां ये जाना चाहते हैं। पर इनके पास तीन मोती हैं और ये हैं चार, तो यहाँ से तीन ही लोग बाहर जा सकते हैं, इसलिए ग्रोवर यही रुक जाता है। और ये तीनों ओलंपस जाने का सोचते हैं, ये वो जगह है जहाँ देवता रहते हैं, और ये तीनों मोती को अपने पैर के नीचे रखकर ओलंपस के बारे में सोचते हैं और एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ओलंपस जाने का रास्ता होता है और 12 बजने में केवल 10 मिनट बचे, और अगर 10 मिनट से पहले इन्होंने लाइटनिंग बोल्ट ज़ूस को नहीं दिया तो पोसाइडन और ज़ूस के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। अब जब ये ओलंपस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर लूक आ जाता है। वो कहता है कि तुम जिंदा बच गए, बहुत हैरानी की बात है, मैंने ये बोल्ट तुम्हारी ढाल में इसलिए डाला ताकि हेडिस को मिल जाए और देवताओं के बीच में युद्ध हो और ओलंपस बिखर जाए और सत्ता देवताओं के हाथों से निकलकर हमारे हाथों में आ जाए। पर्सी बोलता है मैं ये बोल्ट ज़ूस को वापस लौटाने जा रहा हूं। लूक बोलता है कि 12 बजे से पहले नहीं, और उस पर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और लूक पर्सी से बोल्ट छीन लेता है, पर तभी पर्सी अपनी पानी की पावर को यूज करता है और वो लूक से बोल्ट वापस हासिल कर लेता है। अब पर्सी और एनाबेथ ओलंपस के अंदर जाते हैं जहां पर ज्यूस पोसाइडन और बाकी के सभी देवता आपस में बहस कर रहे होते हैं और वो 12 बजते युद्ध शुरू कर देंगे। पर ठीक एक सेकंड पहले वहां पर पर्सी और एनाबेथ पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि आप शायद इसे ढूंढ रहे हैं। ज्यूस उससे अपना बोल्ट वापस ले लेता है और बोलता है कि तुम चोर हो। पर्सी बोलता है कि मैंने इसे नहीं चुराया, इसे लूक ने चुराया था, क्योंकि वो आप सब से बहुत नाराज है और चाहता है कि आप आपस में लड़ो। ज़ूस बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया। पर्सी ज़ूस से बोलता है कि मेरा दोस्त ग्रोवर पाताल लोक में फंस गया है। ज़ूस बोलता है कि वो वापस आ जाएगा, और इस तरह से ये युद्ध रुक जाता है। यहाँ पर पोसाइडन भी होता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। पर्सी बोलता है कि आप मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए। पोसाइडन बोलता है कि जब मैं तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ था तो मैं एक आम इंसान बन रहा था, अपने काम से गैर जिम्मेदार बन रहा था, और इसीलिए ज़ूस ने ये कानून बनाया कि अब कोई भी देवता अपने बच्चों से कभी नहीं मिलेगा, पर मेरी नजर हर वक्त तुम पर थी और मैं हमेशा तुम्हारी सोच में और तुम्हारे ख्वाबों में रहूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारे पास था और रहूंगा। पर्सी कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कई बार सुना है। और पर्सी इसके बाद उनसे अलविदा कहकर अपने कैंप में वापस चला जाता है। पर कैंप के अंदर जाने से पहले वो अपनी मॉम से वादा लेता है कि तुम वापस उस आदमी के पास कभी नहीं जाओगी। उसकी मॉम कहती है कि वो हमारी जिंदगी से अब जा चुका है और यही तुम्हारी असली जगह है। जब पर्सी कैंप के अंदर जाता है तो वहां पर ग्रोवर भी होता है, क्योंकि ज़ूस ने उसे पाताल लोक से निकाल लिया होता है। और पर्सी अब वापस कैंप में अपने जैसे लोगों के बीच में पहुंच चुका है जो सभी के सभी हाफ ब्लड है, जो सभी देवताओं की संतान है। और पर्सी एक बार फिर अपना प्रशिक्षण शुरू कर देता है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।